हे गाइस, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोटेस्ट्स अराउंड द वर्ल्ड के बारे में, मतलब कि दुनिया भर में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं इनका रीज़न क्या है, प्रोटेस्ट हो कहां पर रहे हैं, ये हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो ऑब्वियसली विदाउट अ डाउट अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगेन, यूपीएससी 2020 की तैयारी आप घर बैठे या कहीं भी कर सकते हैं विद आवर पेन ड्राइव कोर्सेज, जिन्हें आप परचेज कर सकते हैं studyiq.com से, और यू कैन कॉल दिस नंबर 9580048004 फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। नाउ ये टॉपिक यूपीएससी के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट कैसे है? देखिए, इंपॉर्टेंट ऐसे है क्योंकि जो भी कंट्री है जहां पे प्रोटेस्ट हो रहा है, चाहे किसी भी रीजन की वजह से हो रहा हो, वो कंट्री पार्ट हो जाती है करंट अफेयर्स का। तो आपको बताना चाहिए उस कंट्री के बारे में, बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, और प्रोटेस्ट के बारे में भी आपको अगर थोड़ा बहुत पता हो तो इट विल हेल्प। नाउ जो ये प्रोटेस्ट हैं, ये दो कैटेगरी में आते हैं। एक है पॉलिटिकल फ्रीडम प्रोटेस्ट और दूसरा है इकोनॉमी और करप्शन से रिलेटेड प्रोटेस्ट। पॉलिटिकल फ्रीडम प्रोटेस्ट बेसिकली होता क्या है, मान लो एक देश है जहाँ पर एक नया लॉ ला रहे हैं और उस लॉ से वहाँ की जो आम जनता है खुश नहीं है, उसके अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट होगा ये एक पॉलिटिकल फ्रीडम प्रोटेस्ट है। उस सब के अलावा मान लो वहाँ के लोग चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो चेंज हो जाए, वहाँ पे कू हो जाए, या फिर वो लोग चाहते हैं कि उनको ऑटोनॉमी मिले, तो ये सब होगा पॉलिटिकल फ्रीडम के अंडर। फिर है इकोनॉमी और करप्शन, मतलब ऑब्वियसली वहाँ पे काफ़ी करप्शन हो रहा है, उसके अगेंस्ट लोग एक्शन चाहते हैं, इकोनॉमी काफ़ी ख़राब है, लोग चाहते हैं कि सरकार उसको फिक्स करे, तो ये जो प्रोटेस्ट हैं ये इकोनॉमी और करप्शन के अंडर आते हैं। ना एशिया में अगर हम देखें तो सबसे पहले आपको लिखेगा हांगकांग। हांगकांग को मैं कवर इसमें नहीं करूँगा क्योंकि हांगकांग पे 3 से लेकर 4 वीडियोज़ StudyIQ पे अवेलेबल है। आपको बस सर्च करना है StudyIQ हांगकांग और आपको प्लेथोरा ऑफ लिटरेचर उस पर मिल जाएगा, काफ़ी वीडियोज़ हमारी वहाँ पे अवेलेबल है। हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे इंडोनेशिया से। ना 2019 में इंडोनेशिया में 3 रीजंस की वजह से प्रोटेस्ट हुए हैं। इंडोनेशिया यहाँ पे आप देख सकते हैं, बाय द वे दिस इज इंडोनेशिया, ये एक आसियान देश है, कैपिटलाइज देश की जकार्ता करेंसी लोग इस्तेमाल करते हैं, इंडोनेशिया रुपया। ना जो 3 रीजंस हैं प्रोटेस्ट के, ये आपके सामने मैंशनड है। पहला तो है करप्शन इरेडिकेशन कमीशन लॉ। बेसिकली जो करप्शन लॉज हैं, सरकार जो है इंडोनेशिया की, वो उसको कमज़ोर करना चाहती थी, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुए हैं। मगर ये प्रोटेस्ट ज़्यादा इंटेंस नहीं थे। मेन जो प्रोटेस्ट हुए हैं, मेन मैं कहूँगा जो सबसे ज़्यादा डेमोन्स्ट्रेशन हमको दिखी हैं, इट वॉज बिकॉज ऑफ द रिविजन ऑफ क्रिमिनल कोड। ये बहुत ही ज़्यादा एक कॉन्ट्रोवर्शियल बात थी इंडोनेशिया में इन 2019। क्यों? इसके अंडर बेसिकली सरकार ये चाहती थी कि एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स जो है, मतलब शादी के बाहर जो सेक्स हो रहा है, ये आउटलॉ कर दिया जाएगा। उसके अलावा होमोसेक्सुअलिटी जो है ये क्रिमिनलाइज हो जाएगी, लिव इन रिलेशनशिप क्रिमिनलाइज हो जाएंगे, और सेक्स एजुकेशन, कॉन्ट्रसेप्शन और वेरियस और इश्यूज़ के बारे में अगर आप एजुकेशन फैलाते हैं तो उसमें आपको जेल भी हो सकती है। तो बहुत ही ज़्यादा रिग्रेसिव लॉज थे, इस कंट्री को पीछे ले जाने वाले लॉज थे। तो इंडोनेशिया की जो यंग जनरेशन है, उन्होंने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया और कहा कि हम नहीं चाहते कि हमारी कंट्री आगे जाने के बजाय पीछे जाए। सो इसलिए मैसिव प्रोटेस्ट हुए इस इशू को लेकर। फिर देखिए, कुछ प्रोटेस्ट हुए थे फॉर माइनिंग लैंड एंड लेबर। बेसिकली इंडोनेशिया का जो ये ईस्टर्न पार्ट है, यहाँ पर पपुआ न्यू गिनी के पास में, यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो बेसिकली माइनॉरिटी इंडोनेशिया में, वो लोग ये नहीं चाहते थे कि उनकी ज़मीन पर माइनिंग हो और रिसोर्सेज की एक्सप्लॉयटेशन हो। सो ये थे इंडोनेशिया में प्रोटेस्ट के रीज़न। अब हम चलते हैं ईरान की तरफ। यहाँ पर नाउ ईरान के बारे में मैं काफ़ी बार सोचता हूँ कि ये कंट्री फंक्शन भी कैसे कर रहा है इतने सारे सैंक्शंस के अंडर। आज के समय आप अगर देखें तो ईरान का जो मेन रेवेन्यू का सोर्स है ये क्रिपल हो चुका है। इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, वेरियस और कंट्रीज जो ऑयल के इंपोर्टर्स थे, ये ईरान से ऑयल इम्पोर्ट नहीं कर रहे बिकॉज ऑफ USA। इसकी वजह से यहाँ पे जो सरकार है उनके पास पैसों का क्रंच आ रहा है और जो आम नागरिक है ईरान का, ये प्रेशर फेस कर रहा है। ईरान में आप अगर देखें तो पिछले 12 महीनों में जो बेसिक जो आइटम्स होती हैं, दूध, ब्रेड, फल, सब्जी वगैरह, इनके प्राइसेस बहुत हद तक बढ़ गए हैं। जो इन्फ्लेशन रेट है इस देश में 42% है, स्पेशली इन द लास्ट 12 मंथ्स। तो इससे लोग वैसे ही काफ़ी हद तक नाखुश थे। फिर ईरान की सरकार ने ये अनाउंस किया कि जो फ्यूल के प्राइसेस है, जो लोग यहाँ पर फ्यूल यूज़ करते हैं गाड़ियों के लिए, जो आम नागरिक यूज़ करता है, इसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे। ना इसको लेकर लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए। ईरान की सरकार ने ये कहा, देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो पैसा है ये इकट्ठा करेंगे और ये एक फॉर्म ऑफ पेंशन के रूप में जो 18 मिलियन पुअर फैमिलीज़ है इनको प्रोवाइड करेंगे, जिससे हमारे कंट्री में जो पावर्टी है ये कम होगी।
मगर लोग ये कह रहे हैं कि जो आप फ्यूल के प्राइसेस बढ़ाओगे इससे ऑलरेडी जो इन्फ्लेशन बढ़ी हुई है ये और बढ़ जाएगी, तो जो आप पैसे दोगे भी इन गरीब लोगों को उसकी कोई वैल्यू रहेगी नहीं। सो इसी वजह से मैसिव प्रोटेस्ट हुए ईरान में। अभी के लिए अगर हम देखें तो प्रोटेस्ट काफ़ी हद तक कंट्रोल में है। जो मेन प्रोटेस्ट हुए थे इनकी कैपिटल तेहरान में हुए थे, और इनके कैपिटल में ईरान की सरकार ने 5 दिन तक इंटरनेट भी कट कर रखा था बिकॉज प्रोटेस्टर्स काबू में नहीं आ रहे थे। एग्जाम परस्पेक्टिव से याद रखना कि ईरान की जो करेंसी है इट इज़ रियाल। नाउ फ्रॉम ईरान अब हम आते हैं इराक की तरफ। नाउ इराक में आप अगर देखें तो प्राइमरी जो कॉज है प्रोटेस्ट का वो इकोनॉमिक है, मगर यहाँ पे एक पॉलिटिकल एंगल भी है। यहाँ पे प्रोटेस्ट हो क्यों रहे हैं, देखिए वेरियस कारणों की वजह से। इराक बाय द वे यहाँ पे आपको मैप पे दिख ही गया होगा, दिस इज़ इट्स लोकेशन, ये इराक है यहाँ पे ईरान के साथ, और यहाँ पे जो कैपिटल है इट इज़ बगदाद, करेंसी लोग इस्तेमाल करते हैं दिनार। प्रोटेस्ट के यहाँ पे कॉज है करप्शन, ये मानते हैं कि जो लोग यहाँ पर सरकार चला रहे हैं मैसिवली करप्ट हैं। जो ऑयल को बेचकर रेवेन्यू आ रहा है इसको लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा, वो बेसिकली करप्शन के रूप में गायब हो रहा है। उसके अलावा यहाँ पे एंटी ईरानियन सेंटिमेंट है। एंटी ईरानियन सेंटिमेंट क्यों, क्योंकि यहाँ के आम नागरिक ये मानते हैं कि इनकी सरकार में ईरानियन सरकार इंटरवेंशन कर रही है। जो प्रोटेस्ट हुए हैं प्राइमरली दो कारणों की वजह से हुए हैं, पहली बात तो महंगाई करप्शन, उसके बाद एंटी ईरानियन सेंटिमेंट पहली बार यहाँ पर देखने को मिला। उसके अलावा कुछ यहाँ पे और इश्यूज भी थे, एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट कि हमारे कंट्री को उन्होंने डिस्टेबलाइज कर दिया, अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी बड़ा इशू है, लो वेजेस, पुअर पब्लिक सर्विस, तो इन सब कारणों की वजह से 2019 में इराक में मैसिव प्रोटेस्ट हुए। नाउ इराक से हम आते हैं लेबनान में। लेबनान आपको मिलेगा इसराइल के करीब यहाँ पर, ऑलराइट। नाउ लेबनान में भी आप अगर देखें तो इकोनॉमी और पॉलिटिकल दोनों इश्यूज की वजह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं। कैपिटल बाय द वे लेबनान की है बेरूट, करेंसी लोग इस्तेमाल करते हैं लेबनीज पाउंड। द प्रोटेस्ट आर मोटिवेटेड बाय लेबनीज गवर्नमेंट्स फेलियर टू फाइंड सॉल्यूशंस टू एन इकोनॉमिक क्राइसिस। पिछले एक साल से लेबनान एक इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है, यहाँ पर ग्रोथ रेट स्लो है, जॉब्स बढ़ नहीं रही और लोग बेसिकली काफ़ी हद तक फ्रस्ट्रेटेड हैं। उसके अलावा बार बार रिपोर्ट्स आ रही है करप्शन की, स्पेशली इनके सरकारी जो बैंक है लेबनान में, वहाँ पर मैसिव NPAs आए हैं, काफ़ी करप्शन की न्यूज़ आई है। तो इसकी वजह से लोग यहाँ पर चाहते हैं कि सरकार बदल जाए, और दूसरी बात इकोनॉमिक जो क्राइसिस है ये फाइनली ख़त्म हो, तो इसकी वजह से लेबनान में भी काफ़ी प्रोटेस्ट देखे गए। नाउ अब हम यहाँ पे बात करते हैं रशिया की और स्पेन कैटलोनिया की। देखो रशिया की राजधानी आपको पता है मॉस्को, करेंसी आपको पता है रूबल। रशिया में जो प्रोटेस्ट हैं ये सिर्फ मॉस्को तक सीमित हैं, पहली बात तो ये है। बेसिकली लोग तंग आ चुके हैं व्लादिमीर पुतिन की पार्टी से। व्लादिमीर पुतिन और दिमित्री मेदवेदेव, इन्होंने रशिया में पिछले 20 साल से राज किया है, और व्लादिमीर पुतिन अभी भी 2026 तक तो पक्का अपनी पावर में रहने वाले हैं। तो लोग चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ चेंज हो, कोई नया व्यक्ति यहाँ पे आए। तो बेसिकली इलेक्शन की धांधली को लेकर और वेरियस और इश्यूज की वजह से यहाँ पर प्रोटेस्ट हुए हैं। इसको मैंने एक अलग से वीडियो में कवर किया है, मॉस्को प्रोटेस्ट, करीब 380,000 लोगों ने इस वीडियो को व्यू किया था, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको बस सर्च करना है StudyIQ मॉस्को प्रोटेस्ट। इसमें मैंने इनडेप समझा रखा है कि रशिया के बेसिक इश्यूज क्या हैं। फिर स्पेन और कैटलोनिया का जो इशू है ये काफ़ी पुराना है, इस पर भी आपको StudyIQ की वीडियो मिल जाएगी। आपको बस जाना है यहाँ पर सर्च बार में, यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं StudyIQ कैटलोनिया और आपको ये वीडियो मिल जाएगी। ये वीडियो मेरे द्वारा नहीं है मगर काफ़ी अच्छी वीडियो है, इसमें आपको कैटलोनिया इशू का जो कोर है काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगा और लोग वहाँ पर क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये भी आप जान जाएंगे। तो रशिया और कैटलोनिया में इकोनॉमिक प्रोटेस्ट नहीं हो रहे, यहाँ पर पॉलिटिकल फ्रीडम से रिलेटेड प्रोटेस्ट हो रहे हैं। फिर यहाँ पर आप देखोगे ये है इजिप्ट। इजिप्ट की राजधानी आपको बताए कायरो, करेंसी लोग इस्तेमाल करते हैं इजिप्शियन पाउंड। नाउ यहाँ पे जो प्रोटेस्ट हैं ये भी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक का मिक्स है। लोग सरकार से नाखुश हैं, इन्फ्लेशन ज़्यादा है, जॉबलेसनेस है, तो इसकी वजह से काफ़ी यहाँ पे प्रोटेस्ट हुए। हालांकि प्रोटेस्ट की जो इंटेंसिटी थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी। फिर आप यहाँ पे देखोगे अल्जीरिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है अल्जीरिया। आपको पता होगा साइज में अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश है। अल्जीरिया में पॉलिटिकल क्राइसिस क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पर पहली बात तो लीडरशिप को लेकर काफ़ी सवाल थे। एक ही लीडर काफ़ी लंबे समय तक यहाँ पे बना रहा, उसके बाद प्रोटेस्ट ये हो रहे हैं कि ये लीडर कब हटेगा और इसकी जगह मिलिट्री टेक ओवर ना कर ले। तो ये प्योरली पॉलिटिकल फ्रीडम का प्रोटेस्ट चल रहा है अल्जीरिया में। अल्जीरिया की जो कैपिटल है बाय द वे ये है अल्जीरिस, और करेंसी लोग इस्तेमाल करते हैं अल्जीरियन दिनार। फिर यहाँ पे आप देखोगे दो देश हैं, एक है गिनी, इस देश को हम कहेंगे गिनी, GUINEA, गियाना नहीं कहेंगे, इट इज़ गिनी। और फिर है लाइबेरिया। दो देश हैं अफ्रीका, वेस्टर्न अफ्रीका में,
यहाँ पर डिफरेंट कारणों की वजह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अगर हम गिनी को देखें तो यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं पॉलिटिकल फ्रीडम को लेकर। इशू क्या है? इशू यह है कि यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है अल्फा कोंडे, ये चाहते हैं कि ये तीसरी टर्म के लिए भी प्रेसिडेंट बने रहें। तो लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि वो ये नहीं चाहते कि संविधान में बदलाव हो ताकि एक आदमी 15 साल तक प्रेसिडेंट बना रहे। सो इसलिए गिनी में आप देख रहे हैं मैसिव प्रोटेस्ट हो रहे हैं और कई लोगों की यहाँ पर जान जा चुकी है। गिनी की अगर मैं बात करूँ तो करेंसी ये लोग इस्तेमाल करते हैं फ्रैंक, और इनकी जो कैपिटल है इट इज़ कोनाक्री। जो लाइबेरिया के प्रोटेस्ट हैं ये ऑल टुगेदर डिफरेंट हैं। इस पर आपको स्टडी आईक्यू की वीडियो मिल जाएगी, आपको बस सर्च करना है स्टडी आईक्यू लाइबेरिया प्रोटेस्ट एंड यू कैन फाइंड द वीडियो। यहाँ पर इकोनॉमिक इश्यूज़ की वजह से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हालांकि प्रोटेस्ट की जो इंटेंसिटी है इतनी ज़रा है नहीं। गिनी के प्रोटेस्ट काफ़ी हद तक न्यूज़ में भी हैं। ना फिर आप यहाँ पर देखोगे साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में लगातार आप अगर देखो तो इक्वाडोर, पेरू, चिली, बोलीविया, इन चार देशों में मैसिव प्रोटेस्ट हो रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इक्वाडोर की, तो इक्वाडोर के जो प्रोटेस्ट हैं ये प्राइमरली हो रहे हैं बिकॉज ऑफ ऑस्टेरिटी मेजर्स। लोग यहाँ पर बेसिकली इकोनॉमी और करप्शन की वजह से काफ़ी हद तक गुस्से में हैं। रिसेंटली इक्वाडोर की सरकार ने जो बहुत सारी सब्सिडी दे रखी थी इक्वाडोर को, ये कैंसिल कर दी है क्योंकि ये कह रहे हैं कि इनकी इकोनॉमी काफ़ी ख़राब स्थिति में है। इक्वाडोर की जो कैपिटल है इट इज़ क्यूटियो, और करेंसी लोग यूज़ करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। जी हाँ, इनकी करेंसी सीधा US संभालता है। रिसेंटली इक्वाडोर न्यूज़ में भी था क्योंकि इक्वाडोर ने ओपेक छोड़ दिया था। इक्वाडोर का ये मानना था कि ओपेक की वजह से उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ रुक रही है। ये वीडियो आप देख सकते हैं व्हाई कंट्रीज आर लीविंग ओपेक, मेरे द्वारा वीडियो है, करीब 300,000 लोग इसको देख चुके हैं। फिर एक और साउथ अमेरिकन कंट्री है पेरू, इसकी कैपिटल है लीमा, करेंसी ये लोग इस्तेमाल करते हैं सोल। यहाँ पर इशू ये है कि पेरू के प्रेसिडेंट ने कांग्रेस को डिसॉल्व कर दिया और लोग ये मान रहे हैं कि प्रेसिडेंट अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल कर रहा है, इस वजह से यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो जो पेरू के प्रोटेस्ट हैं हम इनको कहेंगे पॉलिटिकल फ्रीडम प्रोटेस्ट, यहाँ पर इकोनॉमी का कोई इशू नहीं है। फिर बात आती है यहाँ पे बोलीविया, यहाँ पे दोनों हैं बोलीविया और चिली, यहाँ पे दोनों इकोनॉमी और पॉलिटिकल रीजन की वजह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं। बोलीविया को अगर हम देखें तो वहाँ पे अर्थव्यवस्था काफ़ी हद तक ख़राब है। उसके अलावा जो रीसेंट इलेक्शंस हुए हैं वहाँ पर जो जीत के आए इनके प्रेसिडेंट इवो मोरालेस, इन पर धांधली का आरोप लगा कि इन्होंने इलेक्शंस रिग किया है, उसके बाद इन्होंने रिजाइन किया और अपना देश छोड़ दिया। आज के समय ये अपने कंट्री के बाहर हैं, इन्होंने असाइलम सीक कर रखा है क्योंकि इनके अगेंस्ट इनके ही देश में करप्शन चार्जेस और इलेक्शन को रिग करने के चार्जेस लगे हैं और उसके अगेंस्ट मैसिव प्रोटेस्ट हो रहे हैं। उसके अलावा आप अगर देखो तो बोलीविया की करेंसी है बोलीवियन, बोलीवियानो। फाइनली अगर हम बात करें चिली की, तो देखिए चिली में प्राइमरली प्रोटेस्ट हो रहे हैं इकोनॉमिक कारणों की वजह से। उसके अलावा यहाँ पे जो सरकार है उन पर भी मैसिव करप्शन के चार्जेस लगे हैं। उन पे आरोप ये लग रहा है कि वो लोग लोगों की प्रॉब्लम से काफ़ी हद तक दूर हैं और लगातार इस देश में इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। चिली की अगर हम बात करें यहाँ पे कैपिटल है सैंटियागो और करेंसी है इनकी पैसो। सो इस तरीके से हमने सारे जो मेजर प्रोटेस्ट हो रहे हैं दुनिया भर में इनको अच्छे से कवर कर लिया है। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।